हमारे सदस्यगण हैं सभी के निर्णय से ये साबित हो रहा है कि इस बार किसी व्यक्ति विशेष का हम लोग समर्थन नहीं देंगे किसी पार्टी। बिरोल विकास युवा मोर्चा से एमपी एमएलए या ग्राम पंचायत चुनाव में हम ये वादा करते हैं आपसे कि हमारे कोई ना कोई सदस्य जरूर निश्चित रूप से खड़ा होंगे, उसमें आप सभी का समर्थन हम लोगों को चाहिए। हम सब युवा अगर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ये वादा करते हैं आपसे कि कोई बड़ा से बड़ा एमपी हो, वर्तमान हो या बनने वाले हो, कोई बड़ा से बड़ा सिस्टम हो, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कोई कुछ कहीं नहीं झुका सकता है। दूसरी बात, हम ये निर्णय देते हैं आप लोग को, आप लोग का साथ चाहिए, सिर्फ बड़े से बड़े सिस्टम को बैक फुट पे ला करके खड़ा कर देंगे। मोबाइल रिपोर्टर, और बता दे आगामी लोकसभा चुनाव लेकर के अनेकों दल, अनेकों संगठन, जगह जगह पे अनेकों पार्टी, जो पार्टी अभी खड़ा किए हुए हैं, सो पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को लेकर के जगह जगह कैंपेन कर रहा है, जगह जगह पे मीटिंग कर रहा है, जगह जगह पर मैं जो है जाकर के जनता से मिलकर अनेकों वादा कर रहा है। उसी वादा के दौर में आज हम लोग जब दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में है तो यहाँ पे कुछ एक संगठन है बिरौल विकास युवा मोर्चा, जिनका आज एक मीटिंग था, उस मीटिंग में हम लोग आए जब यहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों को लेकर के, कुछ सांसद को लेकर के, सामने जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के, अनेकों पार्टी के कैंडिडेट को लेकर के जो है कुछ चर्चा हुई, जिस चर्चा में जो है क्षेत्र में विकास का नाम लेकर के जो है, विकास के काम को लेकर के जो है कुछ चर्चा हुई, जो किसको। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पे आए हैं। मेरा परिचय कौशल बिरौलिया, बिरौल विकास युवा मोर्चा के अध्यक्ष। ये आज का बैठक एक सामाजिक बैठक था। हम लोग प्रत्येक चुनाव में हम लोग पे ये आरोप लगता है कि आप लोग बीजेपी का समर्थक हैं या ये समर्थक है, तो हम लोग 2019 और 2020 के चुनाव में भावनाओं में बह के व्यक्ति विशेष को सपोर्ट किए थे, मगर इस बार हम लोग का ये निर्णय हुआ है कि इतना धरफर में हम लोग को कोई निर्णय नहीं लेना है। 1 मई को हम लोग पुनः बैठक करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि हमारे संस्था के जो भी सदस्य हैं एक साथ, एक मत के साथ जिसको समर्थन करना होगा उसको समर्थन करेंगे, मगर समर्थन उस व्यक्ति को करेंगे जो हम लोग को सुने। ऐसा व्यक्ति को समर्थन नहीं करना है क्योंकि जीत के जाने के बाद न फोन उठाए, न रिस्पॉन्स ले, ऐसा व्यक्ति को नहीं समर्थन करना है। समर्थन उस व्यक्ति को करना है जिसका, चाहे वो थाना हो कि ब्लॉक हो कि सांसद भवन हो, उसका सुना जाए। ऐसा व्यक्ति को हम नहीं समर्थन करेंगे कि ऐसा व्यक्ति को किए जिसका कोई सुनने वाला नहीं हो। साहब बिरौल विकास युवा मोर्चा के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य जी। इस बार जो इस बैठक में आप लोग आए हैं, क्या निर्णय लिए हैं और क्या फैसला हुआ है? इस बैठक में जो हमारे अध्यक्ष जी कहे हैं वो यथावत सब बात सत्य है, और हम लोग सब मिलकर आज यही डिसीजन करेंगे कि जो आदमी इस संस्था का विकास और इस समाज का विकास करेगा हम उनका सपोर्ट करेंगे। रिक्की राजपूत नाम है मेरा, बिरौल विकास युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो आप लोग बैठक आज किए हैं, इससे पहले जो आगामी लोकसभा चुनाव था या विधानसभा चुनाव था उसमें आप लोग बीजेपी का पूर्ण समर्थन किए थे और सपोर्ट किए थे, और ये कहीं छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार जो आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं और क्या बैठक में निर्णय लिए? इस बार हम लोग सब आदमी, सब जितने भी हमारे सदस्यगण हैं सभी के निर्णय से ये साबित हो रहा है कि इस बार किसी व्यक्ति विशेष का हम लोग समर्थन नहीं देंगे, किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं देंगे। हम उसी का समर्थन देंगे जो हम लोग के सुख दुख में, गरीब आम जनता के सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसी के साथ रहेंगे। और हमारे सदस्य अभी एक बोल रहे थे, सत्यनारायण जी आपका ये सपना भी जल्द पूरा होगा, बिरौल विकास युवा मोर्चा से एमपी एमएलए या ग्राम पंचायत चुनाव में हम ये वादा करते हैं आपसे कि हमारे कोई ना कोई सदस्य जरूर निश्चित रूप से खड़ा होंगे, उसमें आप सभी का समर्थन हम लोगों को चाहिए। हम सब युवा अगर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ये वादा करते हैं आपसे कि कोई बड़ा से बड़ा एमपी हो, वर्तमान हो या बनने वाले हो, कोई बड़ा से बड़ा सिस्टम हो, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कोई कुछ कहीं नहीं झुका सकता है। दूसरी बात, हम ये निर्णय देते हैं आप लोग को, आप लोग का साथ चाहिए, सिर्फ बड़े से बड़े सिस्टम को बैक फुट पे ला करके खड़ा कर देंगे। इस बार हम लोग सोचे हुए थे, और हमारे जितने भी सदस्यगण हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जैसा निर्णय लेंगे अगर ऐसा हो सकता है तो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे और पूरी शक्ति ऊर्जा शक्ति से खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से किसी से ज्यादा वोट ला के दिखाएंगे। अभी हमारे बालकृष्ण बाबू जैसे बता रहे थे कि 500 रुपया में प्रखंड में दलाली करने वाला व्यक्ति जाकर के वहां पे अपना सिस्टम में दम दिखाता है। आप में वो कला है, आप में वो जज्बा है कि आप किसी हुकूमत का दलाली नहीं करते हैं, इसलिए आपको छाती पे चढ़ के बोलने की आदत है, उसमें नहीं हो सकता है। दलाली करने वालों में हम लोग दलाली करने वाले नहीं हैं, क्योंकि विधायक हो या सांसद हो, जिसको हम लोगों ने समर्थन दिया वो आज तक हम लोगों के समक्ष नहीं आया। इस बार इसीलिए हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि इस बार हम लोग अपने हिसाब से कार्य करेंगे। कुंदन सिंह सोनपुर पघारी पंचायत अध्यक्ष हैं, बिरौल विकास युवा मोर्चा सोनपुर पघारी पंचायत अध्यक्ष कुंदन सिंह। क्या हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे अधिकार के लिए लड़ेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
किसी का सपोर्टर नहीं है, ये सामाजिक संस्था है, सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड है, ये सामाजिक संस्था है, ये किसी पार्टी विशेष की संस्था नहीं है, ये सामाजिक संस्था है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारा फोन रिसीव करेगा, जो हमारा अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का रहे, उससे हमको कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आपके उपाध्यक्ष महोदय रिकी राजपूत ने बताया, जो हो सकता है तो हम लोग अपना कैंडिडेट भी उतार सकते हैं, क्या ये सही है? ये क्या वो वर्तमान की बात नहीं, भविष्य की बात किए हैं, भविष्य में ऐसा हो सकता है, हम लोग अपना कैंडिडेट भी उतार सकते हैं, चाहे मुखिया का इलेक्शन हो, वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो, कि पंचायत समिति का हो, या जिला परिषद का हो, या विधायक का हो, हम लोग लड़ सकते हैं और लड़ेंगे गरीब गुरबा का हित का। विकास युवा मोर्चा में किस पद पे हैं? बिरौल विकास युवा मोर्चा का मैं कोषाध्यक्ष हूं, और आपका मैडम जो मोबाइल रिपोर्ट है उसको सब दर्शकों तहे दिल से धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जो आप इतना समय निकाल के आए हैं। ये एक सामाजिक संस्था है, और सामाजिक संस्था जो है उसमें जो है सो हम लोग किसी पार्टी विशेष से बंधे हुए नहीं हैं, और ना ही कोई पार्टी हम पे दबाव दे सकता है, नहीं RJD या BJP जो भी हो। हर इलेक्शन में हम लोग अगर किसी ना किसी पार्टी को वोट देते हैं तो ये अफवाह उड़ा दिया जाता है जो ये लोग BJP का सपोर्टर हैं, बिरौल विकास युवा मोर्चा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कुछ लिखित में नहीं दिए हैं जो बिरौल विकास युवा मोर्चा BJP को ही वोट देंगे। और रही बात अपना व्यक्तिगत की, तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है और संस्था का भी व्यक्तिगत राय रहता है जो किसको हम वोट देंगे। आखिर किसी न किसी को तो वोट देना ही है, अगर हम अपना कैंडिडेट निर्दलीय से नहीं उतारेंगे तो किसी न किसी पार्टी को वोट देना है, तो जब समय आएगा तब हम लोग विचार करेंगे। और दूसरी बात है, जो यहां से जो भी विधायक आता है, चाहे गोरा बोराम हो या समस्तीपुर स्थान हो, लोकसभा में जो भी आते हैं, जीत के जाने के बाद हम लोग को कार्यकर्ता को भी नहीं कोई देखने वाला है, और संस्था को तो कोई आज तक देखा ही नहीं, और नहीं संस्था के लिए कोई कुछ किया है, नहीं संस्था को आदमी को कहीं भी कोई तरह का समस्या होता है तो कोई नहीं देखने के लिए आता है। इसलिए इसी सब विषय में आज हम लोग का बैठक हुआ है, और 1 मई को जो है सो फिर से बैठक किया जाएगा, उसमें डिसीजन लिया जाएगा जो हम लोग क्या करेंगे और कैसे चलेंगे। किसी पार्टी विशेष पर हम लोग नहीं जाएंगे, जो पार्टी विशेष हम लोग को सपोर्ट करेगा और हमारे समाज के लिए सपोर्ट करेगा, संस्था के लिए सपोर्ट करेगा, उस पार्टी को हम लोग देखेंगे जो क्या होता है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, सबके निर्णय लिया जाएगा, उसके माध्यम से हम लोग समर्थन करेंगे। आप बिरौल विकास युवा मोर्चा की बैठक में आए हैं, यहाँ पर मैं क्या निर्णय लिया गया? देखिए, मैं बिरौल विकास युवा मोर्चा का सदस्य हूं, और चाहता हूं जो युवाओं के उत्थान के लिए 75 साल में आज तक कोई भी नेता या कोई भी पार्टी कुछ काम ही नहीं किया, थका थका महसूस कर रहा है युवा, खासकर हमारे जिला का तो बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहा है, हमेशा उपेक्षा हुआ है, किसी तरह का उनके ऊपर कोई ये नहीं है जो आज हमारा काम हुआ, चलो हम आते हैं, हम नेता हैं तुम्हारे, तुम हमको मदद किया, वोट दिया, किसी ने मदद नहीं किया, कोई पार्टी नहीं लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, सब अपना रोटी सेकने में रहते, जीत के गए मदद कर दो, खोज खबर भी लेना नहीं जानते, सुधी लेना नहीं, बीमार पड़िए तो ये लोग कोई मदद करना नहीं चाहते, थाना वालों का चक्कर लग जाए, ईमानदारी से काम करिए, कोई मदद करने वाला, सबको अकेला छोड़ दिया जाता है वोट लेने के बाद। मैं इसलिए इनका समर्थन करता हूँ जो इन युवा के बदौलत ही देश है, राज्य है, समाज है, संस्था है, उस युवा को छोड़ दिया जाता है, बाकी का क्या हाल होगा? जो युवा अपना मोटरसाइकिल में तेल डाल के खर्च करके पार्टी के साथ या किसी विशेष आदमी के साथ विधायक, सांसद, जिला परिषद, मुखिया बनाते हैं, उस कार्यकर्ता को इतना अवहेलना होता है जो टूटा हुआ महसूस करता है। इसलिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जहां बुलाएंगे हर जगह मैं कार्यकर्ता के रूप में, उनका साथी के रूप में खड़ा रहूंगा। ये पार्टी विशेष की बैठक नहीं है, अपने अधिकार की बैठक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है भेदभाव? तो इस बार संसद तक निर्णय लेने की ताकत है, उस टाइम निर्णय लेंगे जो क्या करना है, लेकिन आगे भविष्य में बहुत बड़ा खतरा है सभी राजनीतिक दलों को युवाओं से ऐसा ठगाएंगे तो बहुत बड़ी खतरा है, कहीं का नहीं रहेंगे, जमानत जब्त होने के आसार हो जाएंगे उन लोगों का, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सही से हम 2500 मोटरसाइकिल निकाल दें दोनों जिला में, जमानत जब्त हो जाएगा बड़ी बड़ी पार्टी का, ये लोग जो हमारे लोगों के साथ खेला कर रहे हैं, तो सुधर जाए। मैं सभी सांसदों कैंडिडेटों को कहना चाहता हूँ, जैसे कि कार्यकर्ताओं के जोश के आगे में कोई नेता नहीं है, वो अपना जमीन बेच देते हैं कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है हमारे साथी इसमें, जमीन बेच कर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको ये लोग खटते हैं, नेता बनने के बाद 5 साल देखने नहीं आते हैं, 5 साल में क्या दुख सुख हुआ फोन से नहीं पूछते, फोन नहीं उठाते, बोलते हैं संसद में 6 महीना फोन बंद रहता है, क्या बीमारी है सांसद का? संसद में फोन खुला रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बदौलत संसद जाते हैं कि फोन के बदौलत जाते हैं संसद? यह उन लोगों को सूचना है,
जो ऐसे कार्यकर्ताओं का भेल ना कभी नहीं करें, सभी को मैं आग्रह करता हूँ। यहाँ से जो है अभी बिरोल विकास की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसमें हमारे जो एक सदस्य बिरोल विकास युवा मोर्चा के सदस्य हैं, इनका कहना है जो कार्यकर्ता के बदौलत ही नेता होता है, क्यों बिरोल विकास युवा मोर्चा में क्या है? मैं एक सदस्य हूँ और बिरोल विकास युवा मोर्चा एक वो मोर्चा का मतलब होता है सबसे पहले संजय जी कि चारों तरफ से कुछ चीज़ की सुरक्षा करना, मोर्चा तैयार करना, चूँकि एक मोर्चा है और यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हो, माननीय सांसद हो, या हम तो माननीय का प्रयोग करते हैं लेकिन वो प्रयोग करने लायक है नहीं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, मूलतः यह स्थिति है कि आप अपने काम के लिए आते हैं, वोट ले जाते हैं, भूल जाते हैं। गुरु हम आपको वोट करते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कम से कम आप गरीब गुरबाओं के लिए देखिए। हमारी संस्था सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट है, सोशल यानी कि सोशल का इतने ऐसे ऐसे नेता है कि सोशल का हिंदी उनको समझाना पड़ेगा, तो सोशल का मतलब होता है कि सामाजिक, हम समाज के लिए काम करते हैं। गुरु आप कम से कम आइए, समाज के हितों के लिए सोचिए, सो नहीं आप अपने हित के लिए सोचिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा अमेरिका में, लंदन में, क्या जरूरत है आपको? इसलिए हम लोग हमारे अध्यक्ष के निर्देशानुसार इस बार तैयार हैं, ऐसे ऐसे नाक के फनों को कुचलेंगे और समय आएगा तो बताएंगे कि अमूल जनता और आम जनता में क्या पावर है। मेरा नाम सत्यनारायण कुमार चपाल हुए, बिरोल विकास युवा मोर्चा के हम लोग सदस्य हुए और इस बिरोल विकास मोर्चा जितना भी सदस्य हैं से कोई न कोई हर एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और बिरोल विकास ये संस्था है, इनका जितना पार्टी है इन अध्यक्ष के या पार्टी से आते हैं बिरोल विकास से और बोलते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको लोग को जो भी जहाँ तक मदद हो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद किसी नेता या किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि ये प्रत्याशी के वो जितने के बाद फोन तक नहीं उठाते हैं, जिस जनता से कार्यकर्ता वोट दिलाते हैं वो जनता तक अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाते हैं, बिरोल विकास को नाम पर लेकर यूज करते हैं। और हमारे बिरोल विकास इस बार निर्णय ले रहे हैं कि अगर हम पीछा में ठका चुके हैं, इस बार हम ठकाने काज नहीं करेंगे, जो हमको साथ देंगे वादा कर ले उसको हम वोट देंगे, जो साथ नहीं देंगे उसके वोट आने वाले से हम नहीं देंगे और नहीं तो इनके ही विरोध में हम अपना कैंडिडेट निर्दलीय से खड़ा करेंगे। देखिए आज की मीटिंग में बिरोल विकास युवा मोर्चा के जो युवा है उन्होंने ठाना है जो हमारे क्षेत्र की विकास करेगा उसके साथ हमें जाना है, तो इस बार हम यही कहेंगे चाहे कोई भी राजनीति दल हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सांसद जी कोई भी पार्टी से हो, आपको यही आगाह करते हैं, इस बार जो युवा है वो ठान लिया है।